तो सब खानों से बहुत प्यार करती हूँ। मेरा बहुत पर्सनल एक प्यार है उनके साथ और जब से मैंने अपनी पहली फिल्म की है आ, गुलाम कुछ कुछ होता है स्टार्ट टू तो न्यूज़ एक्सप्रेस यस ईशान रानी एक चीज जानना चाहते हैं। आजकल बॉलीवुड में जो हीरोइनो का मतलब जो एक पहले एक दौर हुआ करता था कि हीरो होता था हीरोइनो से प्यार होता था लड़ाई होती थी क्या होता आ,

दैट इंस्पायर्स अ lot ऑफ प्रोड्यूसर्स टू मेक फिल्म लाइक दैट और मैं तो चाहती हूँ कि और ऐसी फिल्में आएँ जो बॉक्स ऑफिस में चले ताकि और फीमेल ओरिएंटेड फिल्म्स बने एंड मोर प्रोड्यूसर्स इंस्पायर टू मेक मोर फिल्म्स लाइक दैट हाल ही में विद्या ने भी कहा कि खांस के संग काम करने में इतना कुछ रहता नहीं है फिल्म में मतलब जो भी होता है लैमलाइट खांस ले जाते हैं तो आप इस बात को मानती हैं और आप क्या इसी ढेरे पर आप भी विश्वास करती हैं जी मैं तो सब खानों से बहुत प्यार करती हूँ मेरा बहुत पर्सनल एक प्यार है उनके साथ और जब से मैंने अपनी पहली फिल्म की है ग़ुलाम कुछ कुछ होता है आ, उनके साथ मेरा एक ख़ास एक रिश्ता है और लकीली जब जब भी मैंने खानों के साथ काम किया है मेरा रोल बहुत अच्छा रहा है तो आई शुड नॉट बी कंप्लेनिंग एंड एंड दे आर द लव्स ऑफ माई लाइफ आई जस्ट लव दैम ऑल एंड दे आर अमेजिंग एंड आई एबसोल्यूटली लव दे आर गॉजियस और क्योंकि आप क्राइम ब्रांच ऑफिसर का एक किरदार निभा रही हैं तो इस बार 26 तारीख को मुंबई एंटी नार्गोटिक्स टीम भी एक, एक सेलिब्रेट कर रहे हैं उन्होंने मुंबई में एक अभियान चालू किया है की कि, एंटी नार्गोटिक्स को लेकर के किसी को इस सब चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए आप क्या कहना चाहेंगे आपका एक मैसेज क्या रहेगा उन लोगों के लिए ये रहेगा कि वी आर फ्रॉम द लैंड ऑफ गौ माता दूध पियो घी खाओ बटर खाओ फ्रेश चीजें खाओ लड्डू खाओ

and I would be sitting and giving advices to a lot of people what should they do in films and what they shouldn't do in films. But uh, to take it on a positive note, I think uh, I'm really, really happy and very, very excited to have collaborated with Dada again on the film. I feel he's an extremely talented director and I love his work and I love working with him. We have a great uh, working relationship. And hopefully with this film, um, uh, both Pradeep and me can... Uh, Wash off the dark that we earlier created with Laga Chunri. Yeah? Hello? You're happy with the answer? Yeah? Okay. Rani, Rani, Rani here. Uh, uh, how much will you have uh, in terms of a creative say <coughs> in uh, the Yasharaj films to come, whether they star you or whether they don't star you? Um, I think, as a creative person, as as a person who's attached with the industry, um, not only Yasharaj, I think uh, uh, there are there are a lot of my friends who are not working for. Yashraj at uh, present, but uh, as a creative person, if there's anybody who ever makes me hear a script and would like an opinion, I'm always there to give. So, um, so I don't think there's a particular role that I would be playing or anything of that sort. But I'm always there to listen to scripts. And I think that's a normal thing that friends in the industry keep doing. Like, there are many scripts that I send to some of my friends to have a read and give an opinion. The same way, I've also read many a scripts like that, but uh, nothing really uh, concrete. I would just say it in a very informal way. Let's